सबसे पहले बताइए कि क्या किरदार है आपका और भोजपुरी की टाइटल की फिल्म में। जी हाँ बिल्कुल, इस पिक्चर का नाम भी है लागी नहीं छूटे रामा। एक बहुत अच्छी और बहुत रोमांटिक किरदार है ये, जिसमें मैं एक बहुत मतलब मुंबई की मॉडर्न लड़की हूँ, लेकिन मेरे जो सोच विचार रहते हैं वो बहुत सिंपली एंड स्वीट एंड इनोसेंट जैसा रहता है, जो कि एक एक लड़के से उसकी शादी गलती से होती है, लेकिन फिर भी उसे अपना सातों जन्म के लिए हम सफर मान लेती है और उसके साथ पूरी ज़िंदगी भी बिताती है। काफ़ी अच्छे कैरेक्टर है, जिसे मैं स्पेशली भोजपुरी में मैं जिससे करना चाहती थी आज वही मुझे मिला है। आई होप सो कि अच्छा जाए। ये किरदार जी हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़े स्टार है और उनके साथ मेरी ये दूसरी मूवी है, इससे पहले भी किया था, ये दूसरी मूवी है, लेकिन एक्सपीरियंस जो रहा है बहुत अच्छा रहा है। ये किरदार आई थिंक सबको निभाना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में, सबके लिए है, इवन कि हमारे मॉडर्न ज़माने में भी इस किरदार को निभाना चाहिए कि अगर उसकी शादी गलती से होती है या फिर लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है, लेकिन उसे आप 110% आप उसे निभाइए और बहुत सच्चे मन से, और उस पर आपको भरोसा और विश्वास भी करना चाहिए। जो फिल्म के डायरेक्टर मुन्ना जी हैं जगदीश शर्मा जी, उनके साथ आप ये दूसरी बार फिल्म कर रहे हैं जी, तो पहला एक्सपीरियंस क्या रहा और आज का? पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। दैट टाइम आई वाज वेरी वरीड कि इतनी बड़ी टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ, एंड जगदीश शर्मा बहुत बड़े डायरेक्टर रह चुके हैं, एंड सेकेंड मूवी मैंने किया तो मुझे इसमें थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हुई, थोड़ी भी नर्वसनेस नहीं हुई। एक फैमिली की तरह हम लोग काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और पवन जी के साथ आप पहली बार? नहीं, पवन जी के साथ मेरी ये दूसरी मूवी है, एंड आई होप सो पॉजिटिव फिंगर क्रॉस कि इसके बाद भी हम लोग की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी लोगों ने सराहना भी किया है कि ये जोड़ी काफ़ी अच्छी है, एंड इंडस्ट्री में कुछ नया देखने को मिल रहा है। दसवें से क्या कहें, नया साल आ रहा है जी बिल्कुल, आपका आने वाला 2015 दर्शकों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और सबके लाइफ में बहुत सारी खुशी और सबकी विशेष पूरी हो एंड सब खुश रहें।